अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। नागरिकों के दिलो दिमाग में घुसा कोरोना, एक्सपर्ट एवं डॉक्टरों की सलाह, मानसिक तनाव से बचने की जरूरत। कोरोना संक्रमण से देश भर में हर दिन सैकड़ों लोग जान गंवा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद बिना दवाई के ही हजारों लोग रोज स्वस्थ होकर घर भी लौट रहे हैं। इसलिए तमाम एक्सपर्ट एवं डॉक्टर दावा करने लगे हैं कि कोरोना शरीर की नहीं बल्कि मानसिक भय की बीमारी है, जिससे डरने की नहीं सावधान रहने की जरूरत है। एक्सपर्ट की माने तो देश या शहर की कुल आबादी के लिहाज से कोरोना से जान गंवाने वालों की संख्या 0.5% से भी कम है। मरने वालों में 95% ऐसे लोग हैं जो पहले से ही गंभीर बीमारियों से ग्रस्त थे और कोरोना के मानसिक दबाव के कारण जान गंवा बैठे। ऐसे में एक्सपर्ट कोरोना को दिमाग से निकालने की राय दे रहे हैं, आप खुद ही सुन लीजिए। लॉकडाउन से भी ज्यादा डरे जो लोगों के दिल में कोरोना का भय बैठ रहा है, वो सबसे ज्यादा डरने की बात है। वैसे भी कोरोना ये डिजीज इतना कोई भयंकर है नहीं, मैं रिपीटेडली वही बताऊंगा। मैं ये सिर्फ उन लोगों के लिए रिस्क बनता है जिनमें कॉम्प्रोमाइज इम्यून सिस्टम है, जैसे तुम्हारे हमारे जैसे लोगों में जिनमें डायबिटीज नहीं है, हाइपरटेंशन है, वो डिजीज आएगा भी चला भी जाएगा तो पता भी नहीं चलेगा। तो ये डिजीज इतना सिंपल डिजीज है। अभी ये वायरस जो आया है ये 2 दिन में जाने वाला नहीं, 1 महीने में जाने वाला नहीं, 2 महीने, ये हमको अब उसके साथ में जीना है। 6 महीने रहे, 1 साल रहे, 2 साल रहे, तो आदतें बदलेंगे तो शायद हम प्रोटेक्ट कर सकेंगे खुद को, इम्यूनिटी बढ़ा देंगे तो प्रोटेक्ट कर सकेंगे। जब कौन सा भी दवाई नहीं है, दवाई नहीं है तो भी सही ठीक हो रहे हैं, फिर ठीक कैसे हो रहे हैं, ये सवाल पब्लिक उठा रहे हैं। रह गया कि कोरोना के माध्यम इतना पेशेंट बाधित हो गए, इतना पॉजिटिव हो गए, उतना जो न्यूज आ रहे हैं, जो पॉजिटिव की जी मात्रा की जो न्यूज आ रहे हैं, ठीक है, वो जानकारी के लिए होना चाहिए। लोगों को अभी 2 महीने से ट्रेनिंग भी मिल गए किस तरह से बचाव करना है, लेकिन हम ये भी उसके अंदर न्यूज में आना चाहिए, ये भी जानकारी होना चाहिए कि जो जितने पॉजिटिव है वो ठीक कितने हो, वो भी मात्रा आना चाहिए। लेकिन आप हाँ जब जनसंख्या का हिसाब, टोटल जनसंख्या और उसके अनु जनसंख्या में कितने पॉजिटिव और वो पॉजिटिव में कितने डेथ और वो एक्चुअल जो बहुत सारी बीमारी है उसके भी वर्गीकरण होना चाहिए, उसके सेग्रीगेशन होना चाहिए। उसकी जो एक्चुअल जो उस कि ऑलरेडी बीमार है वो बीमारी में कितने गए हैं और एक्चुअल कोरोना में कितने गए हैं। जैसे मलेरिया में भी आ जाते हैं लोग, डेंगू में भी डेथ होती है, लेकिन एक्चुअल कोरोना में कितने, ताकि वो सही सही आंकड़ा लोगों को जानकारी में हो। लेकिन दिन में कितना पॉजिटिव और दिन में कितना ठीक हो गए, ताकि उसके अंदर से भय कम। हमारा संदेश ये कि जो पहला संदेश है कि डरो मत, चिंतित मत हो जाइए, लेकिन हमारा ये अभी संदेश देना मेरा उचित लगेगा कि खुद भी डरो मत और दूसरों को भी मत डरो, डर कम होना चाहिए। गौरतलब है कि कोरोना से बचाव के लिए आजकल रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने आर्सेनिक एल्बम 30 जैसी दवाएं खूब ली जा रही हैं। डॉक्टर बताते हैं कि यह कोरोना की दवाई नहीं है, लेकिन मानसिक तौर पर यह बचाव का जरिया बन रही है। मतलब साफ है कि मानसिक तौर पर मजबूत होने से कोरोना से बचा जा सकता है। लॉकडाउन में सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलते हुए गांव निकले प्रवासी मजदूर इसके सबूत हैं। सूत्र बताते हैं कि हर हाल में घर पहुंचने की जिद में निकले मजदूरों में से कोई बिरला ही होगा जो कोरोना से मरा है। आज भी हॉस्पिटल में क्या इलाज दे रहे, आज हर जगह की रिपोर्ट ये है, जब मेडिसिन ही नहीं हॉस्पिटल में, जो रेगुलर मेडिसिन है वही मेडिसिन से चालू है, लेकिन तो भी ठीक हो रहे हैं ना। जब ये वायरस घातक है या मानना है हमारा, लेकिन एक भी वायरस ऐसे है जो हमारे जो आँख का जो होता है, जो हमारे आँख आते हैं तो सामने से देखने के बाद भी हमें होता है, वो तो वायरस सिर्फ देखने से होता है। सर्दी है, खांसी है, जुकाम है, उसका भी वायरस है,
लेकिन इतना इससे डर जो है वो डर इतना सही है क्या, वो सवाल ये आ रहा है लोगों से, सवाल ये आ रहा है कि जितना डर जो बारिश के अंदर जून जुलाई अगस्त में जिस तरह से पूरे हॉस्पिटल फुल होते, फिर मलेरिया हो, टाइफाइड हो, डेंगू हो, हर शादी सर्दी खुशाम सर्दी खांसी जुकाम हर तरह का जो उस समय देख ज़्यादा तौर पर कोकण इलाके में जो बीमारी फैल जाती है वो बीमारी में सब हॉस्पिटल फुल होते। लोगों को प्रबोधन करो, लोगों को सावधगिरी करने करो, कैसा हैंडल करना है, कैसा उससे आप बचाना है, ये ठीक है लेकिन डर निकालना बहुत जरूरी है। और आज भी लोग आज ये डर में से आज लोग बाहर निकल रहे हैं कि जब पैसा ही नहीं रहेगा हाथ में खरीदने के लिए तो वो उसका डर ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। फिलहाल कोरोना जल्द जाने वाला नहीं है, इसलिए इसके बीच सावधानी से रहने की आदत सीखनी होगी और बिना डरे अपना काम करते रहना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया।